अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं महनूर यूसुफ और आप देख रहे हैं द स्टाइलिश मोड। आज की वीडियो में हम स्नुकिया कलर चार्ट एंड इजी कलर चार्ट एक साथ जो है डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इजी कलर को स्नुकिया कलर की ट्यूब के साथ मिक्स करके अपना कलर क्रिएट कर सकते हैं, और स्नुकिया की जो ट्यूब और डिवेलपर्स हैं वो किस तरीके से आप इजी कलर के साथ मैच करके मिक्स करके जो है अपने बालों पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो है स्नुकिया की ट्यूब पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ क्या हम दूसरी कंपनी का डेवलपर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका डिफरेंस ये बताऊंगी कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो हमारी 60 और 100 ml की ट्यूब्स होती हैं, जो पाकिस्तान में हमारे जो भी आजकल ब्रांड्स चल रहे हैं, स्नुकिया, इजी कलर, ब्रीमोड, क्यूने और जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, फिलहाल तो मैं जिन पे काम कर रही हूँ उनका ही नाम ले रही हूँ, तो आप उनके डिवेलपर्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि आपका कलर मेटालिक तो नहीं है। अगर मेटालिक कलर के जो ट्यूब्स और डिवेलपर्स हैं वो दूसरी ट्यूब के साथ आपने यूज़ नहीं करना, सिंथेटिक के साथ यूज़ नहीं करना। इस तरीके से ये हो जाता है कि आपका मेटालिक कलर, आपको पता है कि आपके बालों पे कोटिंग करता है। जब कोटिंग वाली जो भी प्रोडक्ट्स हम अपने बालों पे यूज़ करते हैं तो फिर सिंथेटिक कलर आपके बालों में ऑब्जर्व नहीं होता और रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊंगी कि हमारे जो स्नुकिया और इजी कलर के जो डिवेलपर्स और ट्यूब है हम बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, हमारा जो स्नुकिया का कलर चार्ट, इसमें 20 ब्लैक शेड है और इजी कलर में हमारे पास 10 जो है ब्लैक है, ठीक है। दोनों के जो है कलर सेम है, ब्लैक ही है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इजी कलर ने 1 से स्टार्ट लिया हुआ है, इसमें 2 स्किप है, और यहाँ पे इन्होंने 1 को स्किप किया हुआ है, 2 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई भी ज़्यादा खास मकसद नहीं है, ये दोनों ब्लैक ही कलर कहलाते हैं। जबकि हमारे पास जितने भी कलर चार्ट आते हैं उनकी रीडिंग एक ही होती है, 30 हमारा डार्क ब्राउन है और 30 यहाँ पे हमारा डार्क ब्राउन ही है। ये नेचुरल कलर्स हैं, इसीलिए आप नेचुरल ट्यूब को एक दूसरे के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास 0.00 आता है बूस्टर, और ये बूस्टर हम अपनी नेचुरल की ट्यूब में मिक्स करके जब अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी कलर लाइट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यूने शेड कार्ड में हमारे पास डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर्स आते हैं और उसके साथ हम अपने बालों पर डायरेक्ट लिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बाकी कंपनीज में डायरेक्ट लिफ्टिंग के कोई कलर्स नहीं आते, इसीलिए हम अपने 0.00 यानी कि बूस्टर को अपने नेचुरल की ट्यूब में मिक्स करके अपने कलर को खुद लाइट और डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना इजी कलर का बूस्टर अपनी स्नुकिया की ट्यूब में मिक्स करके भी कलर को लाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बालों का नेचुरल लेवल 5 है, ठीक है, और आपने 7 पे जाना है, 7 पे आपका डिज़ायर है और आपके पास स्नुकिया की ट्यूब पड़ी हुई है और वो है 5 की ही है, आपका नेचुरल लेवल भी 5 है और आपके पास 5 की ट्यूब ही है, लेकिन आपका मन हो गया है कि आप 7 पे जाना चाहती हैं, तो आप 5 को लाइट कर सकती हैं। और उसका तरीका ये होगा कि आपके पास जो बूस्टर पड़ा हुआ है, चाहे वो दूसरी कंपनी का ही क्यों ना हो, 0.00, आप इसको उठाएं और हाफ ट्यूब अपनी बूस्टर की लें, हाफ ट्यूब आप अपनी 50 की लें, दोनों को मिक्स करें, ये कलर आपका 7 लेवल तक लाइट हो जाएगा और आप अपने बालों पे एप्लीकेशन 1 शेड डाई के लिए कर सकती हैं, आपके बालों पर सेम कलर आएगा। आपने क्या करना है, अगर इसके साथ ही आपको ग्रे कवरेज भी है तो आप ऐसा करें, इसी कलर में आप अपनी ग्रे कवरेज के लिए 5 की आप ट्यूब उठाएं, 20 वॉल्यूम में मिक्स करें, रूट्स पर पहले एप्लीकेशन करें, फिर आपने जो आपने मिक्सिंग की थी, अपने जो दोनों ट्यूब को मिक्स किया था, वो दोनों ट्यूब को आप फिर 30 वॉल्यूम के साथ अपने लेंथ पर लगाना है, ठीक है। 20 वॉल्यूम रूट्स के लिए होता है, 30 वॉल्यूम आपकी लेंथ के लिए होता है, क्योंकि लेंथ पर कलर आपको पता है कि थोड़ा लेट आता है, जल्दी आपके जो है बाल कलर क्रिएट नहीं कर रहे होते, कलर आपका जो है बहुत ज्यादा डार्क होता है और अंडरटोन पिगमेंट्स भी आपके बहुत ज्यादा डार्क स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स होती हैं, तो उस पर टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आप मजीद भी जितना आप 0.00 ऐड करेंगे तो आपका कलर उतना ही लाइट होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजी कलर का डिवेलपर स्नुकिया के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 5 आप स्नुकिया की लें और अपना जो है 6 अपना इजी कलर लें, इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। मैं वैसे आप लोगों को एक फार्मूला बता रही हूँ, ठीक है, तो आप आराम से कलर यूज़ भी कर सकते हैं दूसरे के साथ, एक्सचेंज भी कर सकते हैं और डिवेलपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।